आ गया हमारा खाना। खाने में कुछ नहीं भाई, ट्रेन है लेट, दाल आलू की सब्जी और दूध। चलिए देखते हैं, सफर तो करना ही है और इधर गर्मी ज्यादा है। 30 रुपये का लिया बड़ा पाव, खाते 120 रुपये खाना। देखिए और हमारा जो खाना आएगा वो 80 रुपये का आएगा। कैसा आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। एक दाल है, एक सब्जी है, सब्जी का पता नहीं। अभी हम पहुंच गए गोंदिया। गोंदिया आते आते ट्रेन 4 घंटे लेट हो गई है और गोंदिया महाराष्ट्र में पड़ता है, तो सफर थोड़ा सा बोरिंग हो गया है क्योंकि ट्रेन लेट हो रही है। खाना कितने का भैया? 70 रुपये, 100 रुपये, 60 रुपये। 70 रुपया, 100 रुपया, 60। उसमें क्या है? अंडा भी नहीं। तीन पचास पहुँचने का टाइम था और पहुँचे हैं 8:50 में। 8:50 नहीं, 8:55 हो गया। ट्रेन लगभग 4-4.5 घंटे डिले हो गई है, बट बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है और ब्रिज के नीचे ही स्टेशन है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। जो लोग नागपुर नहीं आए हैं वो मेरे वीडियो से देख के इसका आनंद ले। कितना खूबसूरत लग रहा है नागपुर, जो ये ब्रिज और ब्रिज के नीचे ही स्टेशन है। ब्रिज की खूबसूरती और ये नागपुर स्टेशन, नागपुर जंक्शन। उधर नॉर्मल है, इधर पैकिंग इसका बहुत ही अच्छा है। चावल दाल रोटी सब्जी है, 70, अंडा बिरयानी 80, 70 रुपया और 80 रुपया। कितना दे तो खाना बनाओ, खाना बनाओ, कितना दू। गर्मा गर्म बोली है, बहुत बढ़िया खाना है। भाई खाने पे लोग टूट पड़े हैं, लेकिन मेरी नॉलेज में ये खाना अच्छा है, बट वो सस्ता है और अच्छा दिख रहा है तो लोग उस पर टूटे पड़े हुए हैं। फर्स्ट टाइम नागपुर स्टेशन पे मैंने कदम रखा हुआ है। इतना सफर किया लेकिन नागपुर में कभी आया नहीं था। शीतल जल, ठंडा ठंडा पानी, पानी पीने के लिए फ्री है भाई बिल्कुल। यहाँ पे सोच रहे 2-3 बोतल भर ले क्या। छोड़ो यार, अब कौन पानी पिएगा। 5 रुपये में अपनी बोतल फुल करा सकते हैं यहाँ पे, अगर आपके पास बोतल हो तो। ये अच्छा सिस्टम है रेलवे का, अगर किसी के पास पैसे नहीं है, कम पैसे है, तो 5 रुपये में अपनी बोतल फुल करा सकते हैं। डिनर की तैयारी में बैठा हूँ, अभी तक डिनर आया नहीं है। अगर आपका अपर बर्थ है तो ये समस्या, आप यहाँ पर ठीक से बैठ नहीं सकते हैं, मुश्किल है अपर बर्थ में बैठना। सोने के लिए तो ठीक है बट बहुत मुश्किल होता है।
और डिनर के इंतजार में बैठा हूँ, बिल्कुल रेडी होके, क्योंकि रात काफ़ी हो गई, 10:10 हो गए और भूख भी लगी हुई कैसे, देखते हैं कब तक डिनर आता है। तो दीन का खाना आपको दिखा नहीं पाया था, ये हमने पनीर अलग से ऑर्डर किया हुआ है और ये दाल चावल और मिक्स वेज पिकल और रोटी। तो खाना बहुत ही अच्छा है, दोपहर में केवल पनीर नहीं था, पनीर हमने अलग से ऑर्डर किया जिसके 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए हुए। और अविनाश फटाफट खाना खा रहा है क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। चलिए मैं भी खाना खाता हूँ, चलिए मैं भी चलता हूँ खाना खाने, बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है। सुबह 7:45 को हमको पहुँचना था पुणे, और जब सुबह आँख खुला करीब 8 बजे सो के उठा हूँ मैं, ब्रश व्रश किया, चाय पिया, तो देखा किसी भी ऐप पे ये मेट्रो भी दिख गया। भाई ये देखो, ये कहाँ आ गए हम, क्योंकि किसी भी ऐप पे इसका लोकेशन शो नहीं कर रहा है। क्या लिखा हुआ है, सिकंदराबाद, बड़ा अजीब हाल हो गया यार, ये सिकंदराबाद कहाँ से आ गया। ट्रेन का रूट डाइवर्ट हुआ है, बट ये कौन सा डाइवर्सन है कि 10-12 घंटे ट्रेन लेट है। आ गए हम सिकंदराबाद, भाई साहब कहाँ जाना था कहाँ आ गए। भाई हम आ गए सिकंदराबाद, जो सोचा नहीं था वहाँ आ गए, आप भी देख सकते हैं बहुत अजीब लग रहा है, 1, 2, 3, 4 घंटे ट्रेन लेट होती है। इस ट्रेन का लग रहा है कोई माई बाप नहीं है, जहाँ दिल करता है वहीं रोक देता है। अब चलिए सिकंदराबाद का एंजॉय कीजिए, बी पॉजिटिव, अच्छा सोचते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे रुका है ना जहाँ आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है, गरीब रथ एक्सप्रेस सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम। सोचा कुछ मिल जाएगा, इडली वड़ा डोसा कुछ मिला नहीं, बट लोग भूखे हैं, अब लोगों का क्या करें। 120 रुपये खाना देखिए, और हमारा जो खाना आएगा वो 80 रुपये का आएगा, कैसा आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। एक दाल है, एक सब्जी है, सब्जी का पता नहीं, नॉर्मल सा चावल है। आगे हमारा खाना, खाने में कुछ नहीं भाई, ट्रेन है लेट, दाल आलू की सब्जी और दो चावल, एक चावल और मैंने एक्स्ट्रा मंगाया हुआ है और पिकल भी है। चलिए खा के बात करते हैं। लंच कर लिया, लंच तो आपको दिखाया मैंने, दाल भात और सब्जी मिला है। अभी वाड़ी स्टेशन आया हुआ है, शायद कर्नाटका में है ये, अब कब पहुँचेंगे ये भी पता नहीं है, ट्रेन कितनी लेट है वो भी पता नहीं है, क्योंकि किसी भी ऐप पे इसका लुक अपडेट नहीं है। चलिए देखते हैं, सफ़र तो करना ही है, और इधर गर्मी ज़्यादा है कर्नाटका में, बहुत ज़्यादा। और गया था कुछ खाने के लिए, मिलेगा तो, अभी तो खाना खाया हूँ तो थोड़ा पेट भरा भरा लग रहा है, तो कुछ लिया नहीं मैंने, लेकिन सोच रहा हूँ बड़ा पाव ले लूँ, लेकिन वो ख़राब हो जाएगा। सोलापुर में देखते हैं, सोलापुर शाम को पहुँचेंगे तो कुछ मिलेगा, फिर वो देखते हैं। बड़ा पाव 30 रुपये का मिल रहा है, वो भी बिना काम का, लेकिन जहाँ जनरल बोगी है उस साइड भीड़ ज़्यादा है खाने के लिए। ये तो एसी वाले हैं, खा लेंगे भाई, देखते हैं। बड़ा पाव दिख रहा है, कहाँ हॉर्न मार रहा है यार, जाना तो है नहीं। और इधर गर्मी धुआंधार है, गर्मी इतनी है कि जलन हो रही है, देखते हैं एक बड़ा पाव भी खा के देखते हैं। 30 रुपये का लिया बड़ा पाव, खा के देखते हैं। यह खाने का बहुत ऑप्शन था, बड़ा पाव, बड़ा पाव तो भाई ये महाराष्ट्र में फेमस है, हर जगह आपको बड़ा पाव ही मिलेगा। यहाँ से हमें करीब 5 घंटे लगेंगे, तो 5 घंटे का मतलब है कि 10 और 11 बज जाएगा, देखिए कब पहुँचते हैं। अब तो हमने भी ठान लिया है कि जाना है तो जाना है, और नहीं भी ठानेंगे तो क्या कर लेंगे, हमको तो जाना ही है।
कन्याकुमारी एक्सप्रेस कन्याकुमारी से पुणे जा रही है, तो इससे पहले हमारे ट्रेन को निकाला है। छब्बीस को ट्रेन में बैठा था सुबह में, 26 को पूरा दिन ट्रेन में, पूरा रात ट्रेन में, फिर 27 को पूरा दिन ट्रेन, पूरा रात ट्रेन, 28 को आज हमको सुबह पहुंचना था, पूरा दिन ट्रेन गया, रात भी हो गया, शायद हम 11-12 बजे पहुंचेंगे। तो महाराष्ट्र में देखिए अंगूर की खेती, प्याज सबसे ज़्यादा, और यहाँ जो पानी है ना खेतों में जो देते हैं, देखिए पाइप के सारे देता है, एक मोटा पाइप होता है, फिर पतले पतले पाइप होते हैं, एक एक बूंद, ये प्याज की खेती है, ये सब कुछ सारा प्याज है, तो यहाँ पे हर एक चीज इस्तेमाल किया जाता है, प्याज और गन्ना दोनों है, मिक्स है। कोई बड़ा स्टेशन है, शाम हो गया, पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। चलिए कोई नहीं, अब जाना तो है ही, ट्रेन को कहाँ छोड़ेंगे हम, बट वही है काफ़ी लंबा जर्नी है, जो पोंडिचेरी हम गए थे ना, पोंडिचेरी से भी लंबा जर्नी हो गया, वो सीधा था, ये ट्रेन डाइवर्ट हो गया उसके कारण से कुछ ऐसा हो गया है। कोई नहीं, रात को पहुँच जाएंगे, और कल से काम हम शुरू कर देंगे जिस काम के लिए आए हैं। बाकी हमारी ट्रेन तो आप देख ही रहे हैं। अभी हम पहुंच गए दौंड, शायद यहाँ हमारा ट्रेन का इंजन चेंज होगा, और यहाँ पे गरम गरम अंडा बिरयानी मिल रही है, भेज बिरयानी, अंडा है, भेज बिरयानी और अंडा बिरयानी, प्लेट लेके जाओ, ये लाके दो, ठीक है, भेज बिरयानी, अंडा बिरयानी, चलो भेज। यहाँ से अभी ये किया 1.5 घंटे लगेंगे पुणे के लिए। दौंड जंक्शन, महाराष्ट्र का दौंड जंक्शन, और 1 घंटे या 1.5 घंटे पुणे यहाँ से, बहुत ही फेडअप जर्नी हो गया ये। 26 की सुबह ट्रेन चल दिया भाई, कोई इंजन चेंज नहीं है यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे इंजन चेंज नहीं होता है क्या? तो फाइनली हम पहुंच गए पुणे, 2045 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके, और पुणे का एक नंबर प्लेटफॉर्म है भाई, पहुंच गए, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी हमको 10 किलोमीटर जाना है, फिर उसका वीडियो अगले भाग में, थोड़ा सा आपको पुणे स्टेशन दिखाता हूं, और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो ये पुणे स्टेशन एक नंबर प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा दिखता है भाई, लोग फेड अप हो गए थे, बिल्कुल थक गए थे,